हिट एंड रन जो ये कानून आया है ये थोड़ा सा विचारणीय है अभी, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट यानी कि 98-99% ये अचानक या किसी दूसरे की गलती से होते हैं, जानबूझ के नहीं किए जाते। 1 या 2% ही ऐसा होता है कि कोई इंटेंशनली एक्सीडेंट करे, और उस अगर कोई इंटेंशन के साथ किसी को चोट पहुंचाता है या किसी को मार देता है, तो उसके लिए हमारे पास जो पुराना सेक्शन है 307 और नया 107 जो सेक्शन है वो कवर करता है। और कोई अगर मर जाता है तो वो 302 में या 101 सेक्शन जो नया आया है हमारा उसमें कवर होता है। तो मेरे हिसाब से ड्राइवर जो है वो भय में आ जाएंगे और ड्राइविंग की नौकरी लोग कम करना चाहेंगे, ड्राइवर मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर इंटेंशन है तो हमारे पास पहले से ही भारी कानून है, और इंटेंशन अगर नहीं है, अचानक या वैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें ये बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाता है। अगर कोई आदमी एक्सीडेंट करने के बाद किसी भीड़ वाली जगह पर रुक जाता है तो जनरली भीड़ उस ड्राइवर को मार देती है, मॉब लिंचिंग टाइप हो जाता है, या उस गाड़ी को आग लगा दी जाती है। इसकी वजह से लोग जनरली भागते हैं, तो उसको भी ध्यान में रख के कानून बनाना चाहिए, इन कानूनों को हल्का करना चाहिए। और 41(1)B वाला जो नोटिस वाला है 7 साल तक की सजा में, बहुत ज़्यादा इसको कवर करना चाहिए। और कोई अगर सही समय पे इंफॉर्मेशन भी दे रहा है और उसको हॉस्पिटल भी पहुंचा रहा है, तो उसको तो बिल्कुल मिनिमाइज कर देना चाहिए।